नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है। मेरे दोस्त और मेरे चाहने वाले मुझे चांद कहते हैं, तो इसलिए मैं गज़लों में मेरा नाम चांद लिखता हूँ। तो मैं आप सभी की विशेष तवज्जो चाहूँगा। गज़ल है कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत में किसी का कुछ नहीं बचता मगर, लोग कहते हैं कि मोहब्बत में किसी का कुछ नहीं बचता मगर, मैं बिखर गया और वो बच निकली। जो जो अफवाह थी मेरे शहर में तेरे बारे, मुझे दुख है कि वो सब सच निकली। जो जो अफवाह थी मेरे शहर में तेरे बारे, मुझे दुख है कि वो सब सच निकली। जब मिला आखिरी दफा उससे तो पूछ बैठा, क्या हमसे वाकई मोहब्बत थी, और वो मेरी इस बात पर भी वहां से हंस निकली। और मोहब्बत का तो क्या ही बताऊं ऐ दोस्त, मोहब्बत का तो क्या ही बताऊं ऐ दोस्त, लड़की ने की तो शिद्दत, लड़के ने की तो दूसरों की नजर में वो हवस निकली। अगला शेर है कि कभी इतनी मोहब्बत कभी इतनी नफरत, सच बताना इरादा क्या है। कभी इतनी मोहब्बत कभी इतनी नफरत, सच बताना इरादा क्या है। बदनाम करते फिरते हो मुझे अपने हर नए महबूब के सामने, और हम ही से पूछते हो तमाशा क्या है। जब किसी एक दिल में रह नहीं सकते तुम, तो बताने से क्यों डरते हो। जब किसी एक दिल में रह नहीं सकते तुम, तो बताने से क्यों डरते हो। जब आती नहीं मोहब्बत करनी तुम्हें, तो क्यों करते हो। सही कहा तुमने, इश्क हमें अब आवारा दिखता है। सही कहा तुमने, इश्क हमें अब आवारा दिखता है। लिख ना सका तो मर जाऊंगा, कलम और डायरी ही मुझे सहारा दिखता है। कलम और डायरी ही मुझे सहारा दिखता है। तेरी बर्बादी पता लगती है तेरी लिखावट से चांद, तेरी बर्बादी पता लगती है तेरी लिखावट से चांद, तभी तो तू इतना प्यारा लिखता है। हद है इस दिल की भी जो तेरे जाने के बाद भी अब तक खुद के हिस्से को भी हमारा लिखता है। अगली गजल है कि मोहब्बत का बहाना ना होता अगर हमें तुम्हारा बदन ही पाना होता। मोहब्बत का बहाना ना होता अगर हमें तुम्हारा बदन ही पाना होता। उनकी बद्दुआ है कि हमें कफन भी नसीब ना होगा। मैं मोहब्बत पे तंज क्यों कसता अगर मुझे कफन पाना होता। शुक्रिया। न जाने तुमसे इश्क मेरा पागलपन था या बचपना, न जाने तुमसे इश्क मेरा पागलपन था या बचपना, तुम ना होते तो मेरे इश्क का तमाशा ना होता। इसी में अगली लाइन है कि वो ना उलझती इन हवस के कबीलों में, वो ना उलझती इन हवस के कबीलों में, अगर उस वक्त उसने मेरी बातों को माना होता। मैं लूटता इज्जत इनके ख्वाबों ख्यालों की, मैं लूटता इज्जत इनके ख्वाबों ख्यालों की, अगर मुझे बेवफाओं की नस्ल को मिटाना होता। बताता उसको मैं कि खामोशी से बातें कैसे पीते हैं, बताता उसको मैं कि खामोशी से बातें कैसे पीते हैं, अगर मुकद्दर ने मुझे शायर न बनाया होता। अगला शेर है कि वो लड़का जो एक बार टूट जाता है फिर वो मुड़कर किसी का नहीं होता। वो लड़का जो एक बार टूट जाता है फिर वो मुड़कर किसी का नहीं होता। किसी के जाने पे पहले रोता था अब नहीं रोता। बाद में कितनी ही आलीशान बनाई जाए कब्र, मुड़कर कोई जिंदा नहीं होता। एक छोटी ही गजल के दो तीन शेर है, वो सुनाना चाहूंगा। इस पे मैं खास तवज्जो चाहूंगा सबकी और विवेक भाई की। तो खासकर मिल के बिछड़े, बिछड़ने से बिखरे, बिखर कर निखरे हैं। मिल के बिछड़े, बिछड़ने से बिखरे, बिखर कर निखरे हैं। देखो कितना संभाला है खुद को, मियाँ हम इंसान कोई आम थोड़ी हैं।
बहुत बार टूटे हैं अंदर से, ये कितना आसान थोड़ी है। मानते हैं हम पे हुक्म चलाना हक है आपका, मानते हैं हम पे हुक्म चलाना हक है आपका, लेकिन थोड़े आहिस्ता बोलो, हम आशिक हैं तुम्हारे गुलाम थोड़ी है। जिनको धड़कने अदा की थी मोहब्बत में हमने, जिनको धड़कने अदा की थी मोहब्बत में हमने, वो कहते तुम किराएदार हो इस दिल के कमरे में, तो मोहतरमा हमारे दिल में भी अब तुम्हारा मकान थोड़ी है। शुक्रिया।